आदरणीय बाबा साहब के विषय में तो सभी भारतीयों ने पढ़ा और सुना है, लेकिन आपने श्री जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम लिया, ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। भारत में दलितों के दो बड़े नेता थे आजादी के आंदोलन के समय, जोगेंद्रनाथ मंडल बंगाल के नेता थे, और ऐसा कहा जाता है कि उनके फॉलोअर्स की संख्या दलितों में बाबा साहब की अपेक्षा अधिक थी, और वो मुस्लिम लीग के साथ गए। जिन्ना ने उनको भरोसा दिलाया था कि जब पाकिस्तान बनेगा तो जो हिंदू दलित हैं इनको मुसलमान अपने बराबरी का दर्जा देंगे, और जब देश का विभाजन हुआ तो भारत के पहले कानून मंत्री बने बाबा साहब अंबेडकर, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल बने। उन्होंने, जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, जोगेंद्रनाथ मंडल ने पाकिस्तान का संविधान लिखा। तो दोनों देशों का संविधान दोनों बड़े दलित नेताओं ने लिखा, लेकिन बाद में जोगेंद्रनाथ मंडल को समझ में आया कि पाकिस्तान में दलितों का हित सुरक्षित नहीं है। उनके ऊपर जब अत्याचार हुए तो उन्होंने वहां के सारे नेताओं को बताया और कहा कि जो वादा आप लोगों ने हमारे साथ किया था कि दलितों को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा और उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अधिकांश नेताओं ने इस बात से, इस वादे से हाथ झाड़ लिया, और जोगेंद्रनाथ मंडल इतने दुखी हुए पाकिस्तान के कानून मंत्री का पद छोड़कर वो भारत चले आए, और पश्चातापवश उन्होंने एक गुमनाम जिंदगी जी और भारत में ही उनका देहांत हुआ। किंतु उन्होंने जो गलत निर्णय उस समय लिया, जोगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहब जितने दूरदृष्टा नहीं थे, बाबा साहब की दूरदृष्टि वो अप्रतिम थी। जोगेंद्रनाथ मंडल ने शॉर्ट टर्म गेन देखा और उसके कारण करीब 1 करोड़ दलित भाई जो पाकिस्तान में रह गए उनके जीवन के साथ जोगेंद्रनाथ मंडल खिलवाड़ कर गए, वो उनके हितों की रक्षा भी नहीं कर पाए और स्वयं तो चले आए, लेकिन अधिकांश जो हमारे दलित हिंदू भाई वहां रह गए वो स्थिति में भी नहीं थे कि वो आ जाए। अगर उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया होता तो जिस क्षेत्र में वो रहते थे वो आज भारत का भाग होता, तो उनकी स्थिति दूसरी।